बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, या इसको हिंदी में बोलते हैं केंचुआ की खाद, केंचुआ की खाद या केंचुआ खाद, या इसी को बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट, इसी को बोलते हैं सर बर्मी कंपोस्ट, या इसी को बोलते हैं बर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, इसी को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, हम इसको कहते हैं। अगर इसके जीव की हम बात करेंगे, उसका नाम है आइसेनिया, आइसेनिया फोइटिडा, ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आइसेनिया फोइटिडा आप लिख सकते हैं, आइसेनिया, आइसेनिया फोइटिडा, आइसेनिया फोइटिडा, इस प्रजाति से हम जो है केचुए की खाद ज़्यादा तैयार करते हैं। ये क्या करता है, इसका भोजन क्या होगा, इसके अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, इसके भोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी फसल अवशेष है, फसल अवशेष, जो भी फसल अवशेष है जो मिट्टी के अंदर है, ये उसको खाता है। फसल अवशेष के अलावा जो भी, जो पच सकता है, जिसको ये पचा सकता है, जिसको सड़ा सकता है, जो मिट्टी के अंदर सड़ रहा है, जो मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, वो सारा इसका भोजन रहेगा। किसका, केचुआ का। फसल अवशेष ज़्यादा होता है, गोबर की खाद भी हो सकती है, कार्बनिक प्रकृति के कुछ और मटेरियल हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर के कुछ और मटेरियल यहाँ पर हो सकते हैं, इनको यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको ये खाता है, खाने के बाद क्या करता है, इनको पचाता है, इन्हीं भोजन को ये क्या करेगा, पचाएगा, मतलब इसको डाइजेस्ट करता है। और ये केंचुआ इसको डाइजेस्ट करने के बाद जो इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब केंचुए का जो बाई प्रोडक्ट है, केंचुए का जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो उत्पाद है केंचुए का, या हम इसको गोबर भी कह सकते हैं, केंचुए की जो बिष्ठा है, जो गोबर है, उसको ही हम बोलते हैं कास्ट, उसको हम बोलते हैं कास्ट, CAST कास्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं बर्मी कास्टिंग टेक्नोलॉजी, या वर्मी कल्चर, या उस तैयार खाद को ही हम क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट। केचुए ने किसी अवशेष को खाया, खाने के बाद उसको पचा के अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, वो मिट्टी के अंदर रह गया, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए, पौधों के लिए लाभदायक है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वर्मी कल्चर हम कह रहे हैं। एक तो ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप मान के चलिए लगभग 120 mm 12 से 15 सेंटीमीटर तक ये मिट्टी के अंदर ऐसे वर्टिकल हॉल कर देते हैं। जब मिट्टी के अंदर ऐसे वर्टिकल हॉल कर देंगे ना, मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट हो गई, फसल जितनी ज़्यादा फसल लगाएंगे उतना मिट्टी के अंदर कॉम्पैक्टनेस, कठोरपन ज़्यादा आता है, तो अगर केंचुआ मिट्टी के अंदर है तो फसल अब से इसको खाता जाएगा, नीचे पहुंचता जाएगा, खाता जाएगा, तो ये एक पिलर टाइप का भी बना देता है, तो मिट्टी के सॉइल स्ट्रक्चर में ये हेल्प करता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो केंचुआ की खाद है वो क्या करता है, तो वो मृदा की संरचना को बढ़ाता है, संरचना में सुधार करता है, ठीक है। एक दूसरा, जब मृदा की संरचना सुधरेगी, सॉइल की स्ट्रक्चर जो है इंप्रूव होगी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, और हमें ऐसी ही मिट्टी चाहिए जिसमें पानी लंबे समय तक रुक सके, जिसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा हो। क्लियर हो गया आपको, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस हो गया। 2 से 4 लाख केंचुए पर हेक्टेयर होना चाहिए, इसकी ऑप्टिमम जो है रेंज होती है 2 से 4 लाख, मतलब एक हेक्टेयर में आपको 2 से 4 लाख केंचुआ पर हेक्टेयर आपको अगर है आपके खेत में, तो आप मानिए कि इनकी उचित ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनसे इसको नुकसान होता है, चाहे DAP हो, चाहे यूरिया हो, कोई और भी उर्वरक जो केमिकल नेचर का है, उनसे इनको नुकसान होता है, इनकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है, और इनकी जो है समस्या भी इनको अनेक प्रकार की होती है। 1 kg अगर हम केंचुआ लें वजन के हिसाब से, तो 1 kg केंचुए में लगभग 1000 केंचुआ आ जाएंगे, मतलब अगर आप किलो से, केजी से, अगर आप 1 kg वर्म की बात कर रहे हैं, केंचुए की बात कर रहे हैं, जिसको अर्थ वर्म बोलते हैं इंग्लिश में हम, और वर्म से ही वर्मी कल्चर बना है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक ही होता है, कुछ इस टाइप से ही होते हैं केंचुए, तो वर्म इसको बोलते हैं, और वर्म से ही अर्थ वर्म हो गया, मिट्टी के अंदर रहता है, इसलिए हम इसको अर्थ वर्म बोल देते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट थे।